काम एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से दुनिया भर में मौजूद लोग दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं। पैसा कमाना इतना जरूरी हो गया है कि ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, ना ये देखते हैं कि किस जगह जा रहे हैं, ना ये देखते हैं कि कौन बुला रहा है, बस चार पैसे कमाने की खातिर किसी भी जगह चल देते हैं। ऐसा ही एक वाकया एक ऐसी जगह का जिसका बड़ा नाम सबने सुना है, कराची में रहते हुए, लेकिन उसकी हकीकत क्या है आइए सुनते हैं। मेरा नाम जीरक है और मैं पेशे के एतबार से इलेक्ट्रिशियन हूं। मेरी दुकान कोरंगी की साहिली पट्टी पर वाकई थाने के बिल्कुल करीब है। गुज़श्ता साल यानी 2019 के शुरुआत में अपनी दुकान पर फारिग बैठा था कि मेरे एक इलेक्ट्रिशियन दोस्त की कॉल आ गई। सलाम दुआ के बाद उसने मुझसे कहा कि अगर फारिग हो तो आ जाओ, एक जगह काम आज ही समेटना है। मैंने हामी भर ली, उसने मुझे एड्रेस समझाया और मैं जल्द पहुंचने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपना औजार का सामान उठाया और बताए हुए एड्रेस की तरफ रवाना हो गया। कोरंगी क्रीक के इलाके में एक बहुत मशहूर मीडिया हाउस है, इसका नाम लेना शायद मुनासिब ना होगा। मेरा दोस्त वहीं काम कर रहा था। वहां पहुंचकर मैंने उससे राब्ता किया तो वो कुछ देर बाद नीचे आकर मुझे अपने साथ ऊपर ले गए। हम जिस फ्लोर पर काम कर रहे थे वो बिल्कुल खाली था, सिर्फ साजो सामान ही बिखरा हुआ था। हम दोनों के अलावा वहां तीसरा कोई फर्द मौजूद नहीं था। वहां पहुंचकर मुझे कुछ वहशत सी होने लगी। बहुत अजीब सा माहौल था। इदारे की थीम के मुताबिक अक्सर दीवारें सुर्ख थीं या उनमें सुर्ख रंग बहुत नुमाया था, बिल्कुल यूं कहें जैसे हॉरर फिल्म का सेट मालूम हो रहा था। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार ये इतना बड़ा इदारा है, इनके तो अपने बाकायदा तनख्वाहदार इलेक्ट्रिशियन होंगे, ये रहमतें हमें क्यों दी जा रही हैं? उसने मुझे ये जवाब दिया कि खामोश उसने मुझे ये जवाब देकर खामोश कर दिया कि आम खाओ पेड़ ना गिनो। खैर हम दोनों काम में मसरूफ हो गए, लेकिन मैं वाजे महसूस कर रहा था कि मेरा दोस्त कुछ घबराया हुआ है। वो बार बार काम करते करते रुक जाता, इधर उधर देखने लगता। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कोई चीज मना कर रही है। बहरहाल हमने काम पर तवज्जो मरकूज रखी और तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा काम मुकम्मल कर चुके थे कि मगरिब की अजान हो गई। हम नमाज के लिए नीचे उतरे तो सोचा कि चाय भी पी लेते हैं, कुछ ताजा दम हो जाएंगे। वहीं करीबी आबादी में एक होटल था, हम वहां चले गए। यहां मेरे दोस्त को उसका एक मोहल्लेदार मिला। अलग सलह के बाद उसने बताया कि वो उसी इदारे में वाबस्ता है जहां हम लोग काम कर रहे थे। तहम मैंने महसूस किया जैसे वो हमसे कुछ छुपा रहा था। खैर उसने मेरे दोस्त से नंबर का तबादला किया और जाते वक्त मिलने को कहा। उसके बाद हम बाहर आ गए और अपनी साइट की तरफ चल पड़े। जब हम फ्लोर पर पहुंचे तो हमने देखा कि हम जो अपने औजार एक जगह समेट कर गए थे वो पूरे हॉल में बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने गुस्से की आलम में इधर उधर फेंक दिए हों। मेरे दोस्त ने मुतल्लिका मैनेजर को कॉल की और उसे शिकायत की। उसने माजरत की और कहा कि उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब नहीं है, वरना वो इस हरकत के जिम्मेदार से बाज पुरस जरूर करते। लेकिन इन सब बातों के बावजूद इदारे का कोई भी शख्स हमारे पास फ्लोर पर नहीं आया और हम दोनों बदस्तूर तनहा काम करते रहे, यहां तक कि रात के 11 बज गए और हमने काम मुकम्मल कर लिया।
काम मुकम्मल करने के बाद हमने मुतलिका मैनेजर को कॉल की और कहा कि आप आकर काम देख लें, लेकिन उसने मसरूफियत का बहाना बनाकर इनकार कर दिया और हमसे कहा कि हम खुद ही सब कुछ चेक कर लेंगे, अगर कोई मसला होगा तो वो हमें मुतला कर देंगे। हमने बहुत कहा लेकिन वो ना माना और ऊपर आने से मुसलसल इनकार ही करता रहा। इस पर हम अपना सामान समेटने लगे। रात गहरी होती ही इस फ्लोर की वहशत और खौफनाक में बहुत इजाफा हो गया था। हम बहुत सरसरेगी की आलम में जाने की तैयारी कर रहे थे। जब हम निकलने लगे तो मेरे दोस्त ने चलते चलते सिगरेट निकाली, लेकिन उसने जैसे ही जेब से लाइटर निकाल कर जलाने की कोशिश की, एक वाजे नस्वानी आवाज ने हमारा खून खुश कर दिया। वो कह रही थी, यहां आग मत जलाना। इस पर हम तकरीबन भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे और किस तरह नीचे पहुंचे हमें इल्म नहीं। नीचे वो मैनेजर मौजूद था। वो हमारी हालत देखकर घबराया, लेकिन उसने इस हवाले से कुछ पूछा नहीं और बात काम की तरफ मोड़ दी। लेकिन हमने वाज़े महसूस किया कि वहां मौजूद दीगर स्टाफ के चेहरों पर खौफ के साए लहरा रहे थे। हम दोनों इमारत से बाहर निकले और सड़क पर मौजूद बनी पार्किंग में उसे अपनी बाइक निकालने लगे। मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये बिल मैं देना भूल गया हूं, तुम यहीं रुको, मैं अभी काउंटर पर देकर आया। ये कहकर वो इमारत के अंदर चल गया और मैं पार्किंग में उसका इंतजार करने लगा। अचानक मेरी नजर पार्किंग में खड़ी एक बिल्कुल नई सुर्ख रंग की बाइक पर पड़ी। ये बाइक हर नौजवान की तरह मेरी भी कमजोरी है। हैरत की बात यह थी कि इस पार्किंग में इतनी कीमती गाड़ी बगैर किसी हैंडल लॉक के खड़ी हुई थी। मुझे उसके उन लॉक का अंदाजा इस तरह हुआ कि उसका हैंडल का रुख दाईं तरफ था। अगर आप बाइक का हैंडल लॉक करते हैं तो हैंडल सिर्फ बाईं रुख पर ही लॉक होगा, सिवाय कुछ मोटरबाइक के। अभी मैं इस बाइक की खूबसूरती को देख ही रहा था कि अचानक वो बाइक स्टार्ट हो गई। उसने बकायदा अपने कानों से उसको किक लगने की आवाज सुनी। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मेरी उस वक्त क्या हालत थी। मैं चीखना चाह रहा था लेकिन मेरी आवाज हलक से नहीं निकल रही थी और हाथ पैर जैसे बिल्कुल जाम हो गए थे। मैंने जरा संभलते ही फौरन आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया तो वो बाइक बंद हो गई और मेरे कुछ हवास बहाल हो गए। इतने में मेरा दोस्त भी वापस आ गया। मैंने उसके खौफ में मजीद इजाफा करने के बजाय उसको फौरन वहां से चलने को कहा और हम दोनों ने मेन रोड पर अपनी गाड़ी भगाई। क्रीक से कोरंगी आने के दो रास्ते हैं। एक कोरंगी क्रॉसिंग से गुजरता है लेकिन यह बहुत तवील रास्ता है। इसके मुकाबले में इब्राहिम हैदरी वाटर पंप स्टॉप से जो टूटी फूटी सड़क कोरंगी को जाती है वो बहुत मुख्तसर रास्ता है। ये सड़क मेरुनिसा हॉस्पिटल के सामने से गुजरती हुई डीएचए स्टाफ फ्लैट्स के मोड़ से होती हुई नासिर पंप पर निकलती है, लेकिन ये सड़क बहुत सुनसान है। दिन में काफी रश होता है लेकिन रात में तो यहां से गुजरने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमने मुख्तसर होने की बिना पर इसी रास्ते को तरजीह दी। एक तो हम दो थे और हमारे पास कोई कीमती मोबाइल या सामान भी नहीं था। मोटरसाइकिलें भी जंग अजीम दोम के जमाने की मालूम होती थी। ये इलाका इसी थाने की हदूद में आता है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। पुलिस वाले जान पहचान वाले हैं तो इसलिए बेफिक्री भी थी, लिहाजा हम दोनों अल्लाह का नाम लेकर इस रास्ते पर चल पड़े। अभी हम मेरुनिसा अस्पताल के सामने से गुजर रहे थे। हमारे सिवा कोई तीसरा सड़क पर दूर दूर तक मौजूद नहीं था। अचानक
हम दोनों ने मोटरसाइकिल की आवाज सुनी जैसे वो हमारे बराबर से गुजरी हो। ये वाजे आवाज हम दोनों ने सुनी, नजर कुछ नहीं आया, हम दोनों के औसान खता हो गए। हम बावाज़े बुलंद आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए तेजी से अपनी बाइक दौड़ाने लगे। डीएचए फ्लैट्स के नाले के करीब जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि पुलिस ने सड़क पर नाका लगा रखा था। लेकिन हमारे पहुंचने से कबल ही एक अजीब वाकया हुआ। दो पुलिस एहलकार जो सड़क पर खड़े थे वो हमारे पहुंचने से कबल ही अचानक चीखते हुए फ्लैटों की तरफ भागे। हम खुद इतने खौफजदा थे कि वहां रुकने के बजाय सीधे नासिर पंप की तरफ आ गए। मेरी रिहाइश तो नासिर कॉलोनी में ही है लेकिन मेरे दोस्त को कोरंगी नंबर 2 जाना था। उसकी हालत बहुत खराब थी। मुझे यकीन था कि अगर वो तनहा जाता तो जरूर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर बैठता। मैंने वहीं से उसके मोबाइल लेकर उसके घर कॉल की, उसके भाई को वहीं आने का कहा। कुछ देर के बाद उसके घर वाले उसे ले गए और मैं भी घर चला गया। अगले कई रोज मैं साहब फराश रहा। इस दौरान उससे रابطे कभी कोई होश ना रहा। तबीयत कुछ बहाल हुई तो मैंने उससे रابطे की कोशिश की। उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मैंने बाइक निकाली और उसके घर पहुंच गया। वहां उससे गुफ्तगु हुई तो उसने बताया कि वो उस दिन सुबह से वहां काम कर रहा था और सब कुछ सही था, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद वहां पुरेसरार सी सरगर्मियां शुरू हो गई, जैसे वहां और भी कोई मौजूद हो। मेरे दोस्त का कहना है कि उसने बाकायदा कदमों की चाप सुनी जबकि उस फ्लोर पर उसके अलावा कोई मौजूद नहीं था। दोपहर 2 बजे के करीब उसने एक लड़की की झलक देखी जिसका चेहरा जैसे धुएं में छुपा हुआ था। उस पर मैंने उससे कहा कि भाई तुमने किसी न्यूज एंकर वगैरह को बगैर मेकअप के देख लिया होगा। इस पर वो खफा हो गया, कहने लगा कि यार वो कोई इंसानी मखलूक नहीं थी। मैं बहुत खौफजदा था इसलिए कॉल करके तुम्हें बुलाया था। अगर तुम नहीं आते या कहीं और मसरूफ होते तो मैं शायद ये काम अधूरा छोड़कर वहां से भागने वाला था। अभी हम इसी गुफ्तगू में मसरूफ थे कि मुझे उस दिन होटल में मिलने वाले उस के मोहल्लेदार का ख्याल आया। मेरे कहने पर उसने उसे कॉल की तो वो इलाके में ही मौजूद था। कुछ देर बाद वो भी चला आया। हमने उसको सारी अलिफ लैला सुनाई तो उसने जो इंकशाफात किए वो बहुत हौलनाक थे। उसने जो बताया उसका खुलासा यह है कि उस इमारत का वो फ्लोर आसेब ज़दा है। वहां जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है वहां मौजूद मखलूक उसे पसंद नहीं करती। कई मुलाजमीन ने वहां पुरसरार मखलूक देखी है और कई मुलाजमीन वहां बेहोश पड़े पाए गए थे। इस फ्लोर को बतौर स्टोर के इस्तेमाल किया जाता है लेकिन कोई भी वहां तन्हा नहीं जाता, बल्कि एक वक्त में 3-4 अफराद जाते हैं और जल्दी अपना काम करके वापस आ जाते हैं। शाम के बाद वहां जाना मना है। उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे जो कि चंद रोज के अंदर बेकार हो गए। आए दिन वहां लाइटों में खराबी आ जाना मामूल की बात है। इदारे के इलेक्ट्रिशियन ने भी इस फ्लोर पर जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बाहर से हमें बतौर इलेक्ट्रिशियन इसी वजह से बुलाया था। वहां की इंतजामिया की तरफ से इस मौजू पर बात करने पर सख्त पाबंदी है और नए आने वाले मुलाजमीन से यह सब छुपाया जाता है। राज फाश करने वालों को बरतरफ करने के मामूल भी बहुत कॉमन है। मैंने उससे ये पूछा कि भाई जब तुम्हें ये सारी महाभारत हिफ्स थी तो तुमने हमें होटल में क्यों नहीं खबरदार किया। उसने कहा कि मुझे कई अफराद ने तुम लोगों के साथ उस होटल में गुफ्तगु करते देखा था, उसी लिए मैंने तुमसे पूछा था कि तुम लोग काम कर रहे हो या खत्म हो गया। तुमने जवाब दिया था कि अभी कुछ काम बाकी है। अब अगर मैं तुम्हें हकीकत बता देता तो तुम कभी
उस फ्लोर पर ना जाते, तुम्हारे ना जाने से काम रुक जाता और बिलाखिर मैनेजर को ये खबर मिल जाती कि तुम्हें असल बात मैंने बताई है। इसके बाद मेरे लिए मुश्किल हो जाती, ये कहकर उसने माजरत की और कुछ देर के बाद इधर उधर की बातें करके रुखसत हो गया। ये किस्सा यहीं तमाम नहीं हो जाता। इसके बाद जब मैं दुकान पर जाने लगा तो कई दिन बाद मुझे थाने में तलब कर लिया गया। दौरान गुफ्तगु एक सिपाही से मेरी बात चल रही थी कि उसको मेरे साथ मुतयन किया गया था। बातों बातों में उसने बताया कि अभी चंद रोज कबल रात में, ये वही रात थी जिसमें हम दोनों उस मीडिया हाउस से वापस आ रहे थे, हम डीएचएफ फ्लैट्स के पास नाके पर खड़े थे कि हमने इब्राहिम हैदरी की तरफ से मोटरसाइकिल की आवाज सुनी। हैरत की बात यह थी कि आवाज करीब आ रही थी लेकिन मोटरसाइकिल नजर नहीं आ रही थी। हम दोनों सिपाही घबरा गए कि हमारे सामने अचानक एक सुर्ख रंग की बाइक नमूदार हुई जो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उस मोटरसाइकिल पर कोई भी सवार नहीं था, वो खुद ब खुद चलती हुई आ रही थी। ये देखकर हम दोनों सिपाही सर पर पैर रख के फ्लैट की तरफ भागे और अपनी बाकी साथियों को ये वाकया बताया। हम सब इतना घबरा गए कि ड्यूटी ऑफ करके उसी वक्त थाने वापस आ गए। उसके बाद से हमसे कोई भी उस नाके पर रात की ड्यूटी देने से नहीं जाता। अब मैं उसे क्या बताता कि ये सारे वाकये का मैं भी एक किरदार हूं। इसके बाद हमने कई बार उस इदारे के मैनेजर से रابطے की कोशिश की लेकिन उसने कभी हमारा फोन रिसीव नहीं किया। इस फ्लोर पर जो लड़की नजर आई वो कौन थी? लाइटर जलाने से किसने रोका? हमारा सामान किसने इधर उधर फेंका? पार्किंग में मोटरसाइकिल खुद ब खुद कैसे स्टार्ट हुई? रास्ते में जिस बाइक ने हमें क्रॉस किया वो हमें नजर क्यों नहीं आई? पुलिस वालों ने जो बगैर सवार के मोटरसाइकिल देखी उसको कौन चला रहा था? ये सब सवालात आज भी मौजूद हैं। शायद कभी इनका जवाब ना मिल सके। इस वाक्य के बाद हमने खाली इमारतें और खाली मकानात में काम करने से बिल्कुल मना कर दिया। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. Folks, welcome to the Late Night Horror Show. Mera naam hai Minhaj Ali Askari and welcome to our show. Show ke shuruaat mein maine ek bahut taveel
ईमेल आपके सामने पेश की जो जीरक एक साहब है उन्होंने भेजी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने गौर से सुनी हो तो एक मीडिया हाउस के हवाले से बात हो रही थी जो कोरंगी में वाकई है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा कि वो कौन सा मीडिया हाउस है। उस चैनल में हमारे रेडियो के बहुत सारे लोग काम करते हैं, कई सारे। एक जमाने में मैं भी उस चैनल को ज्वाइन करने ही वाला था, लेकिन किसी वजूहत की वजह से नहीं कर पाया। दिखने में वो एक आलीशान महल है, एक आइडियल जगह जहां पे हर आर्टिस्ट काम करना चाहे। बड़े बड़े स्टूडियोज, बड़े बड़े मेकअप रूम्स, एडिट सुइट्स, ऑडियो रेस्टोरेंट्स, एक परफेक्ट लाइफस्टाइल जिसकी हर आर्टिस्ट, चाहे वो रेडियो प्रेजेंटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, राइटर हो, एक्स वाई जी कुछ भी हो, जो ख्वाहिश रखता है कि उसको हर वो आराम मिले उस जगह जहां जिसके लिए वो काम करे, वो उस जगह मौजूद। लेकिन जब मैं मीटिंग करने गया एक जमाने में उधर उस दफ्तर में, तो हमारी वहां पे एक रेडियो के बड़े मेरे पुराने दोस्त वहां मौजूद थे, तो मैं अपनी मीटिंग वगैरह करके उनसे मुलाकात हुई। हम लोग जाके एक कैफे में बैठे और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि भाई ये बहुत सारे बच्चे जी इस चैनल में काम करते हैं, तुम्हारे शो सुनते हैं और फलाना। तो वहां पे भीड़ लग गई लोगों की। अब बहुत सारे लोग जो हैं कुछ ना कुछ मुझे हिंट देने लगे कि आपको पता है मिनहाज यहाँ पे ये होता है, ये इलाका ऐसा है, पूरा खाली है। टाइम की कमी की वजह से होता है ना कि आप बस जी जी बिल्कुल फलाना साहब जब अच्छा ये करके मैं चल दिया। लेकिन उसके बाद कई दफा कई सारे अदाकारों ने मुझे बताया कि उस जगह पे उनके साथ ऐसे वाकयात हुए कि कोई एक एक्ट्रेस मेकअप रूम में बैठी है और अचानक से दरवाजे पे नॉक होना शुरू हो जाए, दरवाजा खोले तो कोई ना हो, चीजें इधर से उधर गायब हो जाएं, आवाजें आना जैसे किसी ने आपका नाम पुकारा हो, पलट के देखें तो कोई नहीं। उसके बाद ये वाली ईमेल आ जाना, इस बात का सबूत है कि कुछ पुरसरार मखलूकात उस जगह पर मौजूद हैं। खैर जनाब, हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 02134326 या फिर 02134326676 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं अपने वाकयात तो वो भी हमें कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा आप लोग हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, www.youtube.com/minhajaliaskari। वहां पे आपको हमारे तमाम पुरानी एपिसोड्स, नई एपिसोड्स, यहां तक के कुछ एक्सक्लूसिव YouTube कंटेंट भी मिलेगा। और आने वाले टाइम पे हम कुछ नया कंटेंट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर YouTube, तो YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो Facebook है, चाहे वो Twitter है, चाहे वो Instagram है, वो अगर फॉलो करना चाहें तो आप मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए, यू विल फाइंड मी देयर।
खैर जनाब, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि लास्ट फ्राइडे आपने शो नहीं किया, तो सबको ही मालूम है कि फ्राइडे की शाम में एक ऐसी न्यूज हम सब ने सुनी, हम सब ने फील की, जिसका मैं अभी भी, अगर शायद साल बाद भी मैं अगर सोचूंगा तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाहिद एक ऐसी, एक वाहिद इंसिडेंट है जो मुझे हिला देता है हमेशा, जब भी होता है। और इत्तेफाक की बात यह है कि इससे पहले जुनेद जमशेद साहब का जो जहाज, जिसमें जुनेद जमशेद भी ट्रैवल कर रहे थे, वो वाला भी क्रैश किया था। उस वक्त मैं शो पे लाइव बैठा हुआ था, रेडियो कर रहा था, और मुझे सामने खबर आ रही थी। और इस दफा तो खैर मैं घर में मौजूद था, लेकिन जो फ्लैशेस मेरे सामने, मैं अपना शो बना रहा था, हॉरर शो, और जब मैं शो बना रहा था तो मैं अपने आप को बिल्कुल ही कमरे में आइसोलेट कर देता हूँ। मैं टीवी ये सब चीजें नहीं देख रहा होता, तो मैं रिसर्च कर रहा था, करते करते इत्तेफाक से मैं पानी पीने बाहर निकला हूं तो मैंने टीवी देखा है, तो टीवी पे आ रहा कि जहाज क्रैश कर गया है, वो भी आबादी के अंदर। मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, कैसे, क्या। संडे को ईद है, लोग आ रहे होंगे अपने माँ बाप से मिलने, अपने बच्चों से मिलने, अपने बच्चों को लेके पता नहीं कौन कितने दिनों के बाद आ रहा होगा। एक वैसे ही कोरोना का मसला चल रहा है, उस पे एक ये न्यूज, मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी उस दिन, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बाकी थी। और मुझे अंदाजा है कि वो दिन और ईद के तीनों दिन एक हवा में मैंने मायूसी देखी। एक खुशी का त्योहार अचानक से वैसे ही बड़ा तितर बितर हुआ हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मनाएं। ईद फोन पे वीडियो कॉल करके गले मिल नहीं सकते, हाथ मिला नहीं सकते, कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ पाए। इस दफा बिल्कुल ही अलग ईद हुई, अल्लाह ही बेहतर समझे। मैंने तो पीटीवी पे खुतबा सुना सुबह, जो उन्होंने ऑनर किया, वहां पे नमाज पढ़ी, तो फिर मैंने उसी को देख के नमाज पढ़ ली। अल्लाह मियां कबूल करने वाला है। लेकिन इस खबर ने, आप सबसे रिक्वेस्ट है, कि प्लीज हाथ उठा के दुआ कीजिए उन तमाम लोगों का, और अल्लाह की कुदरत देखें। दिन ब दिन मेरा जो वो है ना ईमान, ऐसा पता नहीं पुख्ता होता जा रहा है, अल्लाह की तरफ से हो रहा होगा शायद। क्रैश लैंडिंग में, वो भी जो आबादी में क्रैश हुआ, दो लोग बच गए। एक मुनव्वर सईद साहब का बेटा जो बैंक ऑफ पंजाब के वो हैं, और दूसरे एक और साहब बच गए। अलन जिसको बचाना है, वो जहाज क्रैश भी कर जाए उससे भी बचा लेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शो से 2 मिनट के लिए मैं ऑफ हो रहा हूं, सिर्फ आप लोगों से, भाई, बेटा, दोस्त, उस्ताद, जिस नौयत में भी आप मुझे देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सख्त दिल ना बने, दर्द पैदा करें लोगों के लिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने देखा है लोगों को। लोग हफ्ते वाले दिन शॉपिंग ही कर रहे हैं। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, आपको अंदाजा है, किसी और मुल्क में होती तो माँ तो लोग जारो कतार रो रहे थे, और हम, चूंकि हम आदी हो चुके हैं लोगों के मरने पे,
तो हमारे लिए अब फर्क ही नहीं पड़ता। कितने लोग मरे? 100। यार 100 तो मर जाते हैं, 2-3 करोड़ की आबादी है शहर में, 100 मर गए तो क्या हुआ? यही मेंटेलिटी हमारी कोरोना में है। कितने लोग मर गए? 1200। अरे 1200, 22-23 करोड़ की आबादी में 1200 मर गए तो क्या फर्क पड़ा? मतलब एक जान की भी हमें फिक्र नहीं है। हम तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रहम दिल एक दूसरे के लिए पैदा करें। जो वक्त आने वाला है उसमें आपकी रहम दिली ही आपको सरवाइव करेगी, सख्त दिली नहीं। हमारा प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका है जनाब, आई एम सॉरी 5-6 मिनट आपके मैंने इस वजह से वेस्ट कर दिए। वो तमाम लोग जो फेसबुक पे सुन रहे हैं उनके नाम शामिल कर लेते हैं जल्दी से। उमर मिर्जा बहुत बहुत शुक्रिया, जाहिद खान थैंक यू, अली रजा आपको भी मैसेज आया हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया, कैलाश थैंक यू, हिरा खालिद, आदिल शेख, फैजान खालिद एंड अरसल थैंक यू सो मच, आदि मोहम्मद तौसीफ, बाबर खान एंड मोहम्मद जुनी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मैसेजेस करने का। हमारा फेसबुक लाइव जो है वो खत्म हो रहा है अब। आप लोगों को अगर तमाम हमारा एपिसोड सुनना है तो आप मुझे youtube.com/minhajaliaskari पे सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए। चले जनाब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 02134326675 या फिर 02134326676 पे कॉल कर सकते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है मार्शल लाइन पे मौजूद? सर फैजान खालिद बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? कैसे हैं मिनाज भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक फैजान, आपको बिलेटेड ईद मुबारक। सर सॉरी, मैं भी मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक। और ये जो इंसिडेंट अभी जो हुआ था रिसेंटली प्लान क्रश हुआ है, तो उसमें जो मेरा ऑफिस है उसी तरफ बना हुआ है, मलिर कैंट की तरफ ही है। अच्छा, तो उस दिन तो खैर मेरा फ्राइडे तो ऑफ था, बट मैं उस जगह गया था जरूर, मैं देख कर आया था सारी सिचुएशन। और सर मैं देख नहीं पाया कुछ भी, यकीन करें आप। आपने स्टार्ट में कहा था कि एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, वो ईद भी बिल्कुल कोई ईद नहीं थी। तो बस अल्लाह पाक उन सबकी मकफरत फरमाए, दुआ तो यही सबके लिए, और अल्लाह पाक उनके घर वालों को जो है ना, जिन जो शहीद हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मैंने कही और भी लोग कॉल्स कर रहे होंगे तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है? तो मेरे साथ 2 इंसिडेंट हुए हैं ऐसे, उसको हॉरर की तरफ तो लेके नहीं जाएंगे, बट मेरा थोड़ा सा मानना ये कि मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कुछ। अच्छा बताइए। सर ये तकरीबन 2016 की बात है, तो मेरी खाला रहती है ये मलिर काला बोर्ड की तरफ, तो फिर मैं मतलब हर वीकेंड नाइट जो है ना उधर मतलब कजन के साथ होता था, हम लोग गेम्स वगैरह प्ले कर रहे होते थे, गेम्स खेलते थे। सही। तो सर आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलते रहिए प्लीज। तो हम लोग मतलब ऐसे मेरा मतलब अजीब सा मेरा मूड हो रहा था, मैंने कहा मैं वापस जो है ना घर की तरफ चले जाता हूँ। उस वक्त मुझे थोड़ा सा फील अजीब सा हो रहा था, तो मैं वापस कोई 1:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैं घर के लिए निकला। उस वक्त सर मैं शाया फैसल पर आया तो कोई ट्रांसपोर्ट कोई बसेस वगैरह नहीं चल रही थी, 1:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो बहरहाल एक ऑटो वाला था वो रुका, उसको मैंने कहा भाई मुझे शाह फैसल की तरफ जाना है।
उसने खैर मुझे वहां तक तो ड्रॉप कर दिया। अब सर शाह फैसल कॉलोनी में आपने, अगर आपका गुजर हुआ हो वहां से, आपने देखा हो कि कॉलोनी गेट की तरफ एक ग्रेवयार्ड बना हुआ है, बहुत पुराना है। सही, ठीक है, एक ही कब्रिस्तान है आई थिंक शाह फैसल कॉलोनी में, राइट? नहीं नहीं सर, एक तो मैन शाह फैसल पर है और सेकंड जो है ना वो अंदर की तरफ है। नहीं नहीं, एक अंदर वाला, वो अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो अंदर की तरफ भी है बट एक जो है ना वो मैन शाह फैसल भी बना हुआ है। अगर हम दिल से एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। अच्छा, सही है, ठीक है सर। सही, तो अच्छा कोई पौने दो बजे का टाइम हो चुका था, मैं ऑटो से मतलब पूछ रहा हूँ तो फिर मैंने देखा है, मतलब मुझे साइड पोस्ट से नजर आ रहा था कोई एक लेडी है जो ग्रेवयार्ड से निकलती है। सही, और टोटली जो उनके मतलब जो पूरा ड्रेस था उनका पूरा ब्लैक कलर का उन्होंने वेयर किया हुआ था, आई थिंक अब आया था या मुझे आइडिया नहीं था, पर वो मुझे थोड़ा साइड पोस्ट से थोड़ा सा नजर आ रहा था और 6 फीट उनकी हाइट थी। सही, तो मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा पता नहीं कौन है, मैंने मतलब थोड़ा सा मुझे डर तो लगा लेकिन फिर मैं रेलवे ट्रैक मैंने क्रॉस किया और मैं मेन रोड की तरफ आ गया हूँ। मैंने फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद रेलवे ट्रैक क्रॉस किया तो फिर मैं दूसरे रोड पर आ गया हूँ। अच्छा, वहां पर 4 सीटर ऑटो रिक्शा होते हैं, वो चल रहे होते हैं। वो अपने पॉइंट पर खड़ा हुआ था, मैंने उनसे कहा कि यार मुझे जो है ना जहाँ मेरा घर है, तो मैंने उनको बताया कि मुझे यहाँ ड्रॉप कर दें आप। उसने कहा ठीक है भाई चले आ रहे हैं। तो वो लेडी भी जो है ना वो आके पीछे से ऑटो रिक्शा में बैठ गई, वो 4 सीटर होता है, ठीक है। तो मुझसे जब उन्होंने पूछा कि भाई आपने कहाँ जाना है, मैंने तो उनका अपना एड्रेस को करवा दिया, और वो उस लेडी से उन्होंने पूछा ना कि बाजी आपने कहाँ जाना है, आपको कहाँ ड्रॉप करना है। उसने कहा मुझे अजीमपुरा के कब्रिस्तान छोड़ दें आप। अब अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं वो क्या चीज थी, क्या था, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सर मैंने थोड़ा सा उनकी तरफ देखना चाहा ना, तो उनकी जो आईज थी ना वो टोटली ब्लैक थी। अच्छा, नहीं तो ये अजीमपुरा जो बोला गया तो वो रिक्शे वाले को समझ में आ गया कि किधर जाना है, कहाँ है ये जगह? सर ये नहीं सर, वो तो देखें ऑटो ऑटो वाले को तो सारे पॉइंट्स पता होते हैं ना कि भाई कहाँ किसको ड्रॉप करना है, कहाँ किसको ड्रॉप करना है। तो मैंने तो अपनी लोकेशन बता दी थी उनको, बट हमारे घर से आगे ही वो ग्रेवयार्ड आता है दूसरा, जो जिसको वो भी पुराना ग्रेवयार्ड है जिसकी आप बात कर रहे थे ना, जो अंदर की तरफ है अजीमपुरा का कब्रिस्तान, उसको अजीमपुरा का कब्रिस्तान कहते हैं। जी 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 बिल्कुल, वो उस एरिया का नाम है अजीमपुरा, तो वो शाह फैसल से थोड़ा अंदर जाके बना हुआ है। सही, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, बट अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं वो क्या क्या चुकड़ी जिन था, कोई चुड़ैल थी क्या। नहीं तो ये मुझे बताइए, जब आप तो एक ही रिक्शे में आप चिंगची में बैठे हुए थे ना सर, वो 4 सीटर होता है बेसिकली, आपने देखा होगा। हाँ मैं समझ गया, वो आमने सामने आप बैठ सकते हैं एक दूसरे के। जी बिल्कुल राइट, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने रिक्शा लिया या नहीं, क्या करें सर, उन्होंने आपके साथ राइड शेयर की या नहीं की? सर राइड तो ऑलरेडी शेयर की थी ना, देखें जब मैं ऑटो में आके बैठा था वो भी पीछे से आके बैठ गई ना। बैठ गई, उसके बाद क्या हुआ फिर? सर उसके बाद तो मैं तो अपनी लोकेशन पे उतर गया। सही, अब पता नहीं चला उस ऑटो वाले का क्या हुआ है, या उसने हो सकता है कोई वो मैजिक कर रही हो भी सकता है, या कोई और ही मखलूक हो, उसका मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन आपने बाकायदा उसको कब्रिस्तान से निकलते हुए देखा था? सर मेरे सामने बिल्कुल गेट से, मेन गेट से मुझे नजर आ रहा था, मैं देख रहा था वो गेट से निकली है बाहर। और क्या, और 6 फीट हाइट थी उनकी सर। और बुरखा टाइप का पहना हुआ था या क्या पहना हुआ था? सर बिल्कुल उनके जो उन्होंने जो उनका जो सूट था वो पूरा ब्लैक था, और उन्होंने एक स्कार्फ टाइप वेयर किया हुआ था, स्कार्फ उन्होंने जो ना वो बांधा हुआ था वो भी ब्लैक था, और बस वो थोड़ी अजीब सी लग रही थी सर। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, और बस अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू जी, खुदा हाफिज, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।
खैर जनाब, बढ़ते हैं अपनी कुछ ईमेल्स की तरफ जो कि आप लोग हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम सारा है, मैं जद्दा सऊदी अरब में रहती हूँ, मेरी उम्र 24 साल है। बात आज से 3 साल पहले की है जब मैं पाकिस्तान जा रही थी पढ़ाई के लिए। पाकिस्तान जाने से पहले उमरा करने का प्रोग्राम बना क्योंकि हमेशा हम पाकिस्तान जाने से पहले मक्का और मदीना जाते थे। दिसंबर का महीना था, हम एज यूजुअल रात की नमाज के बाद मदीना के लिए निकल गए। खैर खैरियत से फजर से पहले मदीना पहुंचे। उमरे की वजह से वहां बहुत रश हुआ हुआ था। उस रश की वजह से हमें होटल में रूम नहीं मिल रहे थे। मैं और मेरी वालदा हरम शरीफ में चले गए और वालिद साहब मुख्तलिफ होटल्स विजिट करते रहे रूम लेने के लिए। काफी घंटों के बाद बहुत मुश्किलों से वालिद साहब को मदीना करीम होटल के बिल्कुल पीछे एक होटल में रूम मिला जिसमें सिर्फ 3 बेड्स पड़े हुए थे। सारी रात के जागे हुए और थक भी चुके थे तो रात को इशा की नमाज पढ़ते ही हीटर ऑन करके सो गए। रात के 3 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे बेड के कॉर्नर पे कोई बैठा हुआ था। शक्ल तो नजर नहीं आ रही थी लेकिन काले कलर की चीज थी और उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे। जैसे ही मेरी नजर उस पे पड़ी वो चीज एक ही झटके में मेरे चेस्ट पे आके बैठ गई और मेरा गला पकड़ लिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं उठ सकी। मेरे पिलो के पास वाटर बॉटल पड़ी थी, मैं वो भी उठा के जमीन पे फेंकी कि शायद कोई आवाज से उठ जाए, लेकिन नहीं उठा कोई। थकावट की वजह से वालदा और वालिद गहरी नींद सो रहे थे। मैंने अपना पिलो भी अम्मी की तरफ फेंकने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। लिटरली फिर ऐसा वक्त आया कि I was not even able to breathe। आखिरी वक्त में मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू किया और कुछ नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने कलमा पढ़ा और 3rd time आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी तो वो चीज गायब हो गई। मैं डर के अपनी वालदा के पैरों की तरफ बैठ गई। तहज्जुद की अजान हुई, अम्मी अबू उठे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, सहमी क्यों हूं। तो मैंने कहा कि अगर बताऊंगी तो शायद आपको यकीन ना आए। मैं पूरा वाकया सुना दिया तो अम्मी ने बताया कि रात को जब वालदा की आंख लगी तो उन्हें मेरी आवाज आई जैसे मैं उन्हें बुला रही हूं। अम्मी कहती हैं, उठ के देखा तो तुम गहरी नींद सो रही थी, तो अम्मी फिर जाके सो गई। फिर कुछ देर बाद मेरी आवाज में उन्होंने ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज आई। अम्मी को उन्होंने फिर उठ के देखा तो मैं सो रही थी। ये सब सुन के इतना डर गई कि 3 दिन स्टे किया हमने मदीना में और मैं होटल में नहीं गई, हरम में बैठी रहती थी जबकि अब्बू ने कंप्लेंट करके रूम चेंज करवा दिया था। उसके बाद घर आके अजीब चीजें होने लग गई हमारे साथ। हमारे अंकल माशाल्लाह इल्म रखते हैं। अब्बू ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा बेड बाथरूम के दरवाजे के 2 स्टेप दूर था और वो जगह उनके गुजरने की थी, इसलिए उस मखलूक ने हमें तंग किया। बाकी घर के वाकयात किसी और ईमेल में बताऊंगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। और एक बात, आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ जो कि हमें भेजी है दानिया ने। दिस इज दानिया इकबाल एंड आई एम करंटली डूइंग माय ए लेवल्स, होप यू डूइंग फाइन बाय ऑल मींस। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट अ लोकेशन व्हिच इज नोन फॉर इट्स हॉन्टेड अपीयरेंस।
and the existence of such entities which is located in Nazimabad Block 4. That house is locked up since many years, almost more than a decade. Even though many people ignore to believe these fundamentals and stories about such things, but couldn't deny that after hearing the news of death of number of workers, and this did not happen only for once, but each and every time, whenever that house was taken under construction. But each time the construction was hindered by the deaths of workers, until date, the house is locked up and no one could end up making it a home out of a house. Many media teams have also tried to investigate but never could find what actually is there. Secondly, I would like to tell a personal incident as bahut pehle ki baat hai. मैं 5-6 साल की उम्र की थी. मैं और मेरी बहन अपनी बहन की दोस्त के साथ हम खेल रहे थे. मेरा 3 मंजिला घर है. मैं सेकंड फ्लोर पर रहती हूं और वहीं हम खेल भी रहे थे. हमने सोचा कि क्यों ना डार्क रूम खेला जाए. बारी के बाद मेरी बारी आई. हस्बे मामूल मैं कमरे से बाहर गई, अपनी गिनती शुरू की और बहन और उसकी दोस्त छुप गए. As I opened the door, there used to be a bed right in front, and I could see the shadow of my sister who was bending below to hide behind the bed. But I could see her outlines because of the shadow extending when you put a light from distance, although I was sure that someone was hiding, but still I wasn't getting good vibes. But since my mind was circulating scary childish thoughts, which I dismissed and continued to catch my sister, but as soon as I went there, there was no sign of anyone. I looked under the bed and behind the curtains over there, but there was no trace, and literally, Minhaj, I'm not exaggerating, there was a proper shadow of a figure, just like someone bending to hide, with proper structure of hair and body, just like normal kid. And to our wonder, it was not only me who saw this, both of my sister and a friend who were hiding somewhere else also saw the shadow perfectly and came out of horror. From their hiding spots, before I had pointed them out and got legit scared, and we all had goosebumps all over. And as soon as we left the room, there was no one on the floor. All the lights were out. Once there was a guest who could often sense these things and told us that there is presence of a family who lives on our roof and are not bad for us, in fact. They pray for us, and even my Tai, who prays a lot and is very religious, have often heard a lot of children playing over the roof, and often some kids has woken her up for Fajr by rubbing her feet, although this is doubtful as this happened in sleep, but other things seems to be very real. And honestly, after thinking about it, it still gives us chills, and even that friend of ours remembers it.
चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? कौन? इज़रा जी। इज़रा क्या करती हैं आप? इज़रा मेरे साथ का इंसिडेंट नहीं है, मुझे अपने आसपास घर के इंसिडेंट शेयर करना है। अच्छा, आप क्या करती क्या इज़रा? स्टडी। क्या स्टडी? कौन सी क्लास में हैं आप? इंटर। इंटर में? अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि कौन से इलाके से कॉल कर रही हैं? जी, बोहरा पीर। बोहरा पीर से? जी। तो वहीं के इलाके की आप मुझे वाकयात बताने वाली हैं? जी जी। बताइए। जी, हमारे इलाके में एक पार्क है, वहाँ हर साल हम जाने में फेस्टिवल लगता था। अब वहाँ कुछ सालों से फेस्टिवल नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ लोगों ने सरकटा देखा है और वहाँ बहुत मर्डर भी हो चुके हैं। अच्छा जी, बस बस यही बोलना था आपने? जी, एक वाक्य सुनाना था, मेरे साथ कोई वाक्य नहीं। तो ये आपने कहाँ सुना? ये हमारे घर का ही पार्क है वहीं। नहीं, तो आपने कहाँ सुना? आपने देखा नहीं, आप कह रही हैं। यहाँ लोगों ने सुना। तो लोगों की बातों पे आप आ जाती हैं? लोग जो भी कहते हैं आप सुन लेती हैं? ये एक रीजन यही है इस शो को शुरू करने का, कि हमारे बहुत सारी चीजें लोगों के कहने पे हो रही हैं। वो जी कहते थे, वो कहते हैं वहां पे ये वहां सर के डाल जाता है, मैं वहां सर के डालूंगा। भाई मतलब ऐसे कैसे हो गया कि किसी ने भी कह दिया और आपने मान लिया और वो चले जा रहे? एज यूजुअल मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, कारसास रोड परफेक्ट एग्जाम्पल है। कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वाला बंदा नहीं मिलता भाई, सबके चाचा के मामू के ताया के बॉस के दोस्त के साथ हुआ होता है वाकया। तो स्पेशली जो यंग लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप लोग का तो दिमाग अभी खुला हुआ होना चाहिए, सवालात करने चाहिए आपको, बजाय इसके कि अच्छा गफार अंकल ने ये बोला है कि कटावा में ला सर, कटावा में क्या, ओहो वहां नहीं जाएंगे। अरे इंक्विजिटिव हो, सवाल करें, कहां दिखा, किसको दिखा, कैसे दिखा। कराची में 90% टाइम ऐसा होता है कि कब्जा माफिया जो ना इस तरह के भोंडे वाकयात बता देता है लोगों को। पार्क में मत चुड़ैले मत जाना, पता चला पार्क में दुनिया भर के चरसी वो हीरोइन ची बैठे हुए हैं, बल्कि पार्क के पार गायब हो गए। लेकिन बेचारे बच्चे नहीं जा सके क्योंकि वहां पे सो कॉल्ड चुड़ैल आती थी। तो प्लीज खुदा के वास्ते यार रिक्वेस्ट है आप लोगों से। खैर एक और कॉलर को देखते हैं कौन है लाइन पे मौजूद, और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है लाइन पे मौजूद? हेलो 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 हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है लाइन पे मौजूद? जी सर, फहद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। फहद सिद्दीकी, कैसे आप? जी बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपके साथ कोई हुआ है वाकया? सर शायद आपको याद होगा, मैंने पिछले एपिसोड में कॉल की थी तो बीच में लाइन ड्रॉप हो गई थी। नहीं मतलब पिछले एपिसोड में, बिल्कुल पिछले शो में। अच्छा, I'm sorry, मुझे याद नहीं। तो बताइए किस वजह से, क्या क्या वाकया हुआ था जो आपके बीच में रह गया था? नहीं सर, वो तो अभी बिल्कुल अभी मुझे याद भी नहीं है, मतलब पहले मुझे अभी याद था लेकिन अभी तो काफी टाइम भी हो गया। सही, तबियत भी खराब हो गई थी बीच में। अच्छा। जो भी निकल गया अभी चेक करो के अंदर। तो अभी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरे कजन का वाक्य है, वो मेरे घर के करीब ही रहता है। सही बताइए। तो सर मेरे कजन ये नया गोली मारे ना, नया गोली मार सर वहाँ रहता है, नया गोली मार में अभी ये कोई न्यू फ्लैट बने तो जिनका नाम मैं अगर अवान ग्रैंड टावर के नाम से न्यू फ्लैट बने वहाँ पे। सही। तो वहाँ पे वो 7th फ्लोर में रहता है, तो अभी बिल्कुल भी कुछ वहाँ पे मतलब लोग अभी आबाद नहीं हुए, तो बाहर से 2 या 3 फ्लैट होंगे मुश्किल से। 7th फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे, एक 7th फ्लोर आबाद हुआ है, एक 2nd फ्लोर, इससे ज्यादा कोई भी आबादी नहीं है। सही। तो वहाँ पे मतलब अगर आप लिफ्ट के अंदर भी आएंगे तो आप लिफ्ट के मतलब लिफ्ट है ऑन भी है लेकिन आपको अंदर अकेले जाने नहीं देंगे।
क्योंकि वहाँ की पार्किंग के अंदर जो ना अक्सर मतलब लोगों को चमाटे पड़े कड़क कड़क वाले सर, रोने लग जाते थे लोग बड़े से बड़ा। और रात के मतलब 12 बजे के बाद ना बंदा कोई पार्किंग में मिलता था और ना ही आपको मतलब कहीं बाहर चलते रहता लेगा, दूर दूर तक कोई भटकता हुआ नहीं दिखेगा वहाँ पर। सही। तो मेरा कजन एक दफा रात के 1 बजे के टाइम में बाहर से आ रहा था, मैं बाहर से इंट्रोड्यूस में जब जैसे ही लिफ्ट में घुसने लगा तो गार्ड ने मना कर दिया। उसने बोला 1 से 2 लोग होने चाहिए लिफ्ट के अंदर, वैसे आप अकेले नहीं घुस सकते क्योंकि लिफ्ट के अंदर भी 2-3 हादसा हो चुके हैं वहाँ पे। अच्छा। तो सर वो जैसे ही मतलब उसने बोला चलो सही सीढ़ियों से ले आता हूँ, सीढ़ियों से बिल्कुल सन्नाटा बिल्कुल अकेला, लाइटें जल रही थी। जैसे ही ऊपर जाने लगा उसको पीछे से सीटी की आवाज आने लगी 2-3 दफा 3-4 दफा। उसने इग्नोर किया, उसने उसने बोला कि बस ऐसे होगा बिना कोई मसला मतलब पंचायत मजाक मस्ती में कुछ छेड़ रहा होगा। तो एक बार सीटी की आवाज आई, दूसरी बार आई, फिर जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा ना सर तो कोई ब्लैक कपड़ों में बिल्कुल ब्लैक कपड़ों में कोने में खड़ा हुआ था। और मतलब उसने बताया कि उसके चेहरों पे बाल थे और पैर उसके जो ना मतलब उल्टे टाइप के थे, मतलब लंबे लंबे नाखून थे हाथों के, पैर उल्टे थे बल्कि पैर उसने देखे नहीं सही थे। उसने बोला कि नजर नहीं आए थे पैर, लंबा था चोला पहना हुआ था ब्लैक कलर में। तो वो समझे कि उसके 2-3 फ्लैट में जो भी थे ना तो मस्ती मारा, वो समझे कि मस्ती कर रहा हूँ क्योंकि वो इतना डरपोक नहीं था, बहुत बहादुर बंदा था बहुत ज्यादा। तो उसने उसको बोला, उसने गाली दे दी गंदी वाली, उसने उसको गाली दे दी सर। इतनी तेज चमाट पड़ा सर सर कि उसकी हालत ही बिगड़ गई सर बिल्कुल, क्योंकि सर इतनी तेज चमाट पड़ा उसके, इतनी तेज चमाट पड़ा तो उसका कान ही खराब हो गया, कान खराब हो गया, कान से खून बहने लग गया और वो वहीं पर गिर गया बिल्कुल। तब ये बॉडी, क्योंकि ये गार्ड जो है ना, गार्ड की ड्यूटी है कि वो हर आधे घंटे बाद चक्कर लगाएगा क्योंकि पता नहीं क्योंकि अभी बिल्कुल भी आबादी नहीं है सर, तो वहाँ पे थोड़ा मसला वसला बन जाता है। तो जब गार्ड देखा तो बिल्कुल नीचे लेटा होता है, कान से खून निकल रहा है, तो जैसे बिल्डिंग में हंगामा मचा दिया पूरी की ये क्या हो गया। तो उसको उठाया तो उसने बोला ऐसा ऐसा हो गया था। फिर जब उसने भी वहां से घर, फिर उसी मन उसने भी घर खाना से खाली करवा दिया। उसके हमने भी सुनाया तो उसी मन उन्होंने घर खाली करके हमारे घर के बराबर में घर ले लिया। और ये आपने एग्जैक्ट जो बताया कौन से अपार्टमेंट है, किधर है ये? सर ये नया गोलीमार है, नया गोलीमार में न्यू बिल्कुल न्यू फ्लैट बने, अमान ग्रैंड टावर, ये लाल मस्जिद है वहाँ पर न्यू गोलीमार में लाल मस्जिद। लाल मस्जिद से पहले जो रोड आता है सलमान हाइट्स का रोड आता है। अच्छा। तो वहाँ पे अमान ग्रैंड टावर के नाम से टावर है, एक फ्लैट बने कुछ 12-15 मंजिला फ्लैट है, तो उसके उसका बाकी है सर। चले अब हो सकता है कि वहाँ पे कोई रहने वाला सुन रहा हमारा प्रोग्राम तो वो ज्यादा इसकी वो बताएगा कि और भी कोई बात जानने के लिए है। सही। चल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चलें जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। सलाम मिन्हाज, मेरा नाम मेंशन मत कीजिएगा, ये वाकया मेरी नानी के घर का है। 2003 गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 मुनीर फाउंटेन बेंगलोर का। उस गली में एक घर हॉन्टेड था, हॉन्टेड ऐसा था कि वहां कोई रहता नहीं था। नानी बताती हैं कि 90s में एक अंकल आंटी रहते थे, उनके 3 बेटे थे, वो सब अमेरिका चले गए शादी करके अपने माँ बाप को अकेला छोड़ के, तो वो दोनों मियां बीवी साथ रहते थे। एक दिन पुरसरार तरीके से उनका इंतकाल हो गया, जिसका मोहल्ले वालों को काफी दिन के बाद पता चला। फिर अचानक स्मेल आने लग गई तो यूनियन वालों ने जाके देखा तो उनकी डेड बॉडीज डीकम्पोज हो चुकी थी। ना कोई रिश्तेदार आया, कोई उनका ना ही उनके बेटे कोई से राबता हो सका। तो हम सब कजन्स एक साथ क्रिकेट खेलते थे उसी गली में। जब भी उस घर के कार पोर्च में बॉल जाती, मैं गेट कूद कर अंदर जाके बॉल ले आता था। एक दिन मैं वैसे ही बॉल लेने कूदा तो मेरी नजर विंडो पे पड़ी तो देखा कि हल्का सा पर्दा हटा हुआ है और कोई 2 आंखें मुझे देख रही थी। आंखें लाल थी पूरी, जैसे ग्लो कर रही हूं। याद रहे उन अंकल आंटी का कोई वारिस नहीं मिला था,
उस घर में सारा सामान मौजूद था। जब मैंने ये वाक्या ऐसे ही मजाक में बताया घर में, तो मुझे उसकी हिस्ट्री पता चली। अब सेफ है वहां, अब वहां कोई नहीं है इस घर में, अब भी हम क्रिकेट खेलते हैं उसी गली में, लेकिन अब कोई भी हिम्मत नहीं करता उस घर में दाखिल होने की। खैर, बहुत प्रिसाइसली आपने ये जगह हमें बताई है, तो होपफुली जो लोग प्रोग्राम सुन रहे हो वो, जो लोग रहते होंगे उधर, वो ज्यादा उसको इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। खैर, अगर आप लोग हमें एसएमएस करना चाहते हैं तो एसएमएस कर सकते हैं अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना एसएमएस भेज दे हमें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 02134326675 या फिर 02134326676 पे कॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिन्हाज, कैसे हैं आप? मैं आपका प्रोग्राम 2011 से सुन रहा हूं। अभी ईद पे गांव गया था तो सोचा हमारी हवेली की कहानी आपसे शेयर करूं। मेरा गांव लाड़काना से 36 किलोमीटर दूर है और मोहनजोदाड़ो के बिल्कुल करीब में है। मेरे दादा ने वो हवेली 1935 में बनवाई थी और 2015 तक रही। उसके बाद मेरे बड़े चाचा ने तुड़वा दी कि नई हवेली बनाएंगे, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है ना, तो वो जगह कभी आबाद हो सकी ना ही वो हवेली बन सकी। 2003 की बात है, जब मैं क्लास फोर्थ में था, मेरे बचपन का दोस्त मेरे घर पे आया था और वालिदा से मेरे बारे में कुछ पूछ रहा था। मेरी वालिदा ने उसको मना किया और बोला कि मेरा बेटा सो रहा है। दोपहर के 3 बज रहे थे, गर्मी की शिद्दत थी। मेरा दोस्त जैसे ही मेरे घर से बाहर निकला, जो कि उस हवेली के बिल्कुल साथ ही बना हुआ था और हवेली बिल्कुल खाली, कोई नहीं था उसमें, वो उसके सामने से गुजर रहा था तो उसको छत पे से किसी ने आवाज दी, अली अकबर कहां जा रहे हो, ऊपर आ जाओ। मेरे दोस्त ने ऊपर जैसे ही देखा तो उसको मेरी शक्ल का एक बंदा नजर आया। उसने उसको कहा कि अरे तुम तो सो रहे थे, यहां क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि तुम ऊपर आ जाओ, बताता हूं। मेरा दोस्त उस हवेली का दरवाजा खोल के उस हवेली के अंदर दाखिल हुआ, छत के रास्ते ऊपर पहुंचा और जैसे ही छत पे पहुंचा तो कोने पे उसने मुझे देखा। कहते हैं मुझे, जैसे ही मैं छत पे पहुंचा तो मेरे दोस्त ने जैसे ही उसको गौर से देखा तो उसकी आंखें सुर्ख थीं और देखते ही देखते वो शख्स गायब हो गया। फिर उसको याद आया कि इस हवेली में तो इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं और वो बिना पीछे देखे भाग गया और अपने घर जाके सांस ली। इसी तरह का एक और वाकया, उसी दोस्त की भाभी जब वो शादीशुदा नहीं थी, एक दिन मेरी बहन से मिलने आ रही थी रात के 8-9 बजे, तो उसको मेरी बहन उस हवेली में मिली और उसने उसको इशारा करके बुलाया, इधर आओ। उसको ढोल की आवाजें आ रही थी और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि शादी हो रही है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसको सिर्फ मेरी बहन नजर आ रही थी और बाकी जितने भी लोग थे वो पहचानने में नहीं आ रहे थे, जैसे अजनबी लोग हों। वो जैसे ही अंदर जाती है तो वो बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है। उसके घर वाले पूरा मोहल्ला ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। मेरी दूर की चाची ने बताया कि हवेली भी चेक करते हैं, शायद वो वहां पे हो। मिन्हाज, उसके भाई जैसे ही हवेली में जाते हैं तो मेरी दोस्त की भाभी वहां पे बेहोश नजर आती हैं और उसको होश में लाने के बाद घर ले आते हैं। सुबह उससे पूछते हैं
तो वो पूरा मामला बयान करती हैं कि उसने क्या क्या सुना और देखा। वो मेरी जिस बहन को देखती हैं, वो उस टाइम हमारे ही घर में थी, हवेली में नहीं थी। उस हवेली की तस्वीर मैं आपको भेज रहा हूं, अगर हो सके तो लगा दीजिएगा। कराची जो कि एक बहुत पुराने शहर में से आता है पाकिस्तान के, इधर भी बहुत पुरानी पुरानी हवेलियां मौजूद हैं। हालांकि ये शहर अब एक कंक्रीट जंगल बन चुका है, पुराने पुराने इमारतें तोड़ दी गई हैं, लंबी लंबी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, लेकिन हर इलाके में कुछ एक ऐसी जगह मौजूद है जिसको देख के पता चल जाता है कि ये पार्टीशन से पहले की जगह है। खैर, बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ। मिनाज, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है और मैं मॉडल कॉलोनी मलीर में रहता हूं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी कोई जिन का या दूसरी मखलूक का नहीं दिखी, पर मेरे साथ जो होता है वो शायद मेरे लिए ही बहुत खौफनाक है। मिनाज, आज से कुछ 8 साल पहले मैंने अपना मैट्रिक पास किया था और फिर इंटर के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया था। अक्सर क्लास से वापसी में या घर में क्लास के बताकर हम सब दोस्त बाइक पे मॉडल कॉलोनी के रोड पे ही घूमते रहते थे। मुझे अक्सर एक औरत दिखती थी जो कि फकीरनी मालूम होती थी, पर वो आई एम श्योर कोई फकीरनी नहीं थी। उस औरत को जब मैं देखता था मुझे बहुत खौफ आता था। उसकी गोद में एक बच्चा होता था, वो हमेशा रो रहा होता था। मैं 2 साल के अरसे में तकरीबन 6-7 मरतबा उस औरत को देखा है और उसके पास एक बच्चा था और वो हमेशा रो रहा होता था। वो उसको चुप नहीं करवाती थी और मुझे ये देख रही होती थी। उस औरत की शक्ल बहुत वीरान होती थी, बहुत खौफजदा, ऐसा लगता था वो सिर्फ मुझे ही देख रही है। और आज मुझे ये लगता है कि वो औरत सिर्फ मुझे ही देखती थी और किसी को नहीं। मुझे मलीर छोड़े हुए कुछ 2 साल हो गए हैं और मुझे वो औरत इंटर के बाद से कभी नहीं दिखी। अच्छा वकास साहब, खैर हो सकते कोई फकीर नहीं हो, मतलब ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो आई एम श्योर इस तरह के वाकयात बड़े कॉमन हैं। क्योंकि हम 2020 में मौजूद हैं जहां पे वी आर जस्ट अ बटन अवे टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल या ट्विटर, तो हमें लगता है कि अब बहुत सारी चीजें फेक हैं। ऑब्वियसली हर चीज का एनालिसिस बहुत होता है, रिसर्च पे लोग फोकस करने लग गए थोड़ा थोड़ा, तो अब बहुत सारी चीजें बोल देते हैं तो उसकी रिसर्च या लॉजिक लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात तो दुरुस्त है कि जिस मखलूक, जिस टॉपिक पे हम बात करें वहां पे लॉजिक आई डोंट नो कितनी लागू हो सकती है। एक जिन को लॉजिक के जरिए आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? फॉर दैट मैटर किसी के साथ, या ये आप किस तरीके से बता सकते हैं कि जिस जगह पे अभी आप बैठे हुए हैं या मैं बैठा हूं वो हॉन्टेड है, या वो मकान जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, या वो चैनल जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो कैसे प्रूव होगा कि वो हॉन्टेड है? सिवाय इसके
कि लोग आके कहें कि नहीं हमारे साथ हुआ था वाकया, लेकिन वो तो झूठ भी बोला जा सकता है। तो कुछ मशीन्स निकाली इंसानों ने जिससे एनर्जी का पता चलता है कि अगर इस कमरे में आप मौजूद हैं तो आपकी एक एनर्जी लेवल होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहां पे एक शख्स है। अगर वही मीटर ज्यादा नंबर शो करने लग जाए तो इसका मतलब है अच्छा एक से ज्यादा और एनर्जी मौजूद है एक्स वाई जी। इसकी मैकेनिज्म मुझे इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं मालूम, लेकिन ऐसी कुछ होगा। हम पाकिस्तान में रहते हुए जहां पे ये सबसे कॉमन एक टॉपिक है, हमने कभी कोई ऐसी चीज दरियाफ्त नहीं की जिससे साइंटिफिकली इस चीज को प्रूफ किया जा सके। अंग्रेजों ने की, अंग्रेज हर दफा करता है। जिसको हम सबसे ज्यादा अपना दुश्मन, सबसे ज्यादा गालियां देते हैं, दोजख भेजने में हम सबसे माहिर हैं, रिसर्च वो ही करता है, हम नहीं करते। हम सिर्फ क्या करते हैं, बंगाली बाबा माशूक कदमों में, शादी चंद मिनटों में, हम ये चीजें में, इस चीजों में माहिर हो गए। और ईमान इतना हमारा जो है ना, इतना दो रुपए का हो गया है कि अभी थोड़े से जिंदगी में प्रॉब्लम आती नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो काला जादू, सिफली अमल, ये बाबा तो वो बाबा, इनके चक्कर लगना शुरू हो जाते हैं। और ये मैं कोई लोअर क्लास मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये इलीट की भी बात कर रहा हूं, अमीर लोगों की बात कर रहा हूं मैं। वो लोग जिनको शायद पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन पावर की जरूरत है। एनीथिंग कैन करप्ट यू, बी दैट मनी, बी दैट पावर, बी दैट लव एंड बी दैट हेट। खैर जनाब, बढ़ते कुछ SMS की तरफ। हाय मिनहाज, आई एम हिना फ्रॉम कराची, आई एम लिविंग इन दैट सेम एरिया एज मिस दानिया सेंड यू ईमेल, नाजमाबाद 4। आई वांट टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट हाउस और सम फेमस थिंग अराउंड इट। हिना, आई एम श्योर आपका पैगाम उन साहिबा ने सुन लिया होगा। तो अगर मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना ही बताया गया था कि वो नाजमाबाद 4 नंबर में कोई घर है। तो अगर दानिया आप बता सकें तो प्लीज जरूर बता दीजिएगा। स्टेफनी, हाय मिनहाज, मैं आपसे एक अपना वाकया शेयर करना चाहती हूं। मैं कराची में रहती हूं और हमारे घर में बहुत कुछ अजीब सी चीजें होने लग गई हैं। चिकन में स्टॉक खुद ब खुद जल जाता है, स्टोर में आवाजें आने लगती हैं, हर रोज रात में ब्लैक शेडो दिखता है, एक लंबा सा काले से आदमी का जो सर से पांव तक काला है। हम घर छोड़ने की करते हैं पर छोड़ नहीं पाते, यहां तक कि हमें जानी नुकसान भी पहुंचाते हैं। स्टेफनी, आप प्लीज जरा डिटेल में मुझे SMS करें। अगर आप ईमेल कर सकती हैं तो official.minhajaliaskari पे ईमेल करके देखें, वरना आप ईमेल मुझे SMS ही कर दें, मुझे एक तवील SMS करके दें। आपका आधा मैसेज मेरे पास आया है बस। हाय मिनहाज, आई एम कराची में से मिनहाज, जिन्नात वाले लोग हमसे राब्ता करें। क्या मतलब जिन्नात वाले लोग हमसे राब्ता करें? क्यों भाई, जिन्नात वाले लोग क्या होते हैं? समझ नहीं आया मुझे। मलाइका, आपका मैसेज आया हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। आमना, थैंक यू सो मच। खैर जनाब, अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 02134326675 या फिर 02134326676 पे। देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मेरा नाम सईद है, मेरा ताल्लुक सिंध से, दादू सिंध, दादू से।
जी सर, मैं बचपन का अपना ना वो मेरे साथ जो वाक्य पेश है मैं वो शेयर करना चाहता था। बताइए सर। मैं और मेरा दोस्त ना शहर गए हुए थे, तकरीबन मगरिब का टाइम था, तो हम वापसी आ रहे थे अपने गांव की तरफ ना। तो हम गांव से तकरीबन करीब ही करीब थे, तो गांव से थोड़ा सा ना आधा किलोमीटर दूर ना एक मोड़ आता है, तो वहां पे हम पहुंचने वाले थे, तकरीबन थोड़ा सा दूर था वो मोड़ ना। तो मेरे दोस्त ने देखा कि वो ना एक ऊँटों पे सवार है, ऊँट है और ऊँटों पे ऊपर भी सवार है और नीचे ना वो नीचे भी कुछ पैदल भी जा रहे हैं। और मेरे को दोस्त ने बताया, मैंने मेरे को नजर नहीं आया, फिर जब मेरे को दोस्त ने बताया ना, जब मैंने देखा तो वाकई वो ऊँट चल रहे हैं, ऊँट से पैदल भी चल रहे हैं, ऊँट से कुछ दो बंदे हैं, एक बंदा वो बैठा हुआ है। फिर जब जब हमारी तरफ गांव से जो मोड़ ऐसे टर्न करता है ना, जब ऐसे वो टर्न किया ना उस काफले ने, तो हम भी जा रहे थे ना हम उसी सड़क पे, हमने जब टर्न किया ना, तो मैंने सोचा कि ये तो पता नहीं कुछ मखलूक है। तो फिर मैंने दिल में ना फिर फाते शरीफ पढ़ी, फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, फिर मैंने बहुत सारी सूरतें पढ़ी ना दिल में। मैंने दोस्त को बोला कि आप भी जो है ना अल्लाह का जिक्र करें और जो कुछ भी आपको आता है वो पढ़े हैं। तो फिर उसने भी कुछ पढ़ना शुरू किया। जब हमने गांव की तरफ से वो भी काफला उसी तरफ गया, जैसे हमारा गांव घन जिस रास्ते में, तो जैसे हमने उस रास्ते पे इसे टर्न किया ना, तो वो बिल्कुल गायब हो गए। अच्छा। कुछ भी नजर नहीं आया फिर हमारे को, तकरीबन अंधेरा हो गया था। तो हम जब घर पर खैर खैरियत से ना हम घर पहुंचे, तकरीबन ये 12 साल पुरानी बात है। जी जी, उस वक्त तो दादू और इतना डेवलप नहीं होगा, बस ये पूरी जिंदगी में ना सिर्फ ये वाकया पेश आया है। और सर मैं आपसे एक और वाकया शेयर करना चाहता हूँ, वो मेरे घर का है, मेरे भाई के मतलब बेटे का है। तो वो मेरे भाई का बेटा ना, जब तकरीबन 3.5 साल उसकी पुरानी बात है, तो वो बचपन में ना मतलब वो अभी तो काफी बड़ा हो गया माशाल्लाह, तो वो बाहर खेलने गए ना, तो खजूर का एक दरख्त वो भी हमारी जमीन में है, मतलब घर से तकरीबन ज्यादा दूर नहीं, फासले पर है, तो थोड़ा सा करीब है मतलब ना। तो वहां से ना इसको कुछ वो ना वो नजर आए, तो अभी वो पता है वो अभी 3 दिन पहले ना मैं घर में बात कर रहा था, अभी मैं कराची में रहता हूँ, तो अभी तो उसे ऐसे होता है ना, मतलब वो चिल्लाता है, चीखता है, रड़ियां करता है बहुत ना, उसे सर पता नहीं किससे होता है। फिर वो भागने मतलब घर से दरख्त रात को टाइम ना वो तक बाहर भागने की करता है। फिर मेरा भाई उस पे कुरान शरीफ पढ़ता है, फिर उसके बाद ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो सही हो जाता है, फिर सो जाता है। तो ये पता नहीं फिर उसको क्या है, ये आप मेरे को कुछ बताएं। तो किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाया? हाँ डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर ने बोला इसको कुछ भी नहीं है। और किसी मौलाना को दिखा तो उसने बोला कि इससे पे ना जिन्नात का असर है, और ये इसको ना मतलब जहाँ ये तो खेलने गए थे ना जहाँ पे खजूर है हमारी जमीन में ना, खजूर इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा खजूर का दरख्त है, बोला वहाँ से इसको ना थोड़ी सी हरकत हुई है जिन्नात की तरफ से। इसकी कोई तदाबीर बताई उन्होंने? जी कोई एहतियाती तदाबीर बताई? एहतियाती तदाबीर बताई है, तो अभी वो जब तदाबीर बताई ना, तो वो धागे जो कुछ होता है ना, तो फिर वो करते हैं, तो फिर अभी माशाल्लाह सही हो जाता है। अभी 3 दिन पहले भी उससे बात वाकया हुआ ना, मैं घर पे बात कर रहा था अम्मी से ना, तो वो तो मैं अभी ने भाई से बात कर रहा था, तो भाई ने बात करना बंद कर दी ना, फिर अम्मी को दी, अम्मी से मैंने पूछा, मैंने अम्मा मैंने बोला भाई कहाँ गया, बोला वो आपका भतीजा ना वो रड़ियां कर रहा है, तो इस वजह से वो उसके पास चला गया, फिर वो कुरान शरीफ लेके आया, फिर उसके ऊपर पड़ा, फिर मैं पूरी मैं देख मेरे सामने ही हुआ है, हालांकि मैं मेरे घर में होता हूँ ना, फिर उसके साथ यही सब वाक्य होता है, फिर मैं भी उसके पास पढ़ता हूँ सूरतें तो कुरान शरीफ, तो फिर कुरान शरीफ के बाद फौरन वो ना फिर खामोश होकर फिर हो जाता है। अच्छा, तो ये मेरे को बताइएगा मीनाक भाई, मैं आपको तकरीबन 3 महीने हो गए मैं आपका शो ना सुन रहा हूँ, मैं कराची में रहता हूँ।
अच्छा नहीं, आपने अगर ये अगर आपने डॉक्टर को दिखा दी और सारे सिटी स्कैन वगैरह ये सब करवा लिए रिपोर्ट्स वगैरह और वो सही आ रही हैं, तो फिर आई थिंक आपको चाहिए कि आप कुरान में जो है ना इनका इलाज ढूंढें। अच्छा, कुरान शरीफ में? हाँ, देखिए सारी चीजों का इलाज कुरान शरीफ में मौजूद है, लेकिन उस प्रिसाइस जगह पे पहुंचने के लिए आपको कोई आलम दीन की का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, आलम दीन के साथ? हाँ ठीक है, फिर मिलाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शो ना मैं रेगुलर सुनता हूँ और आप बहुत अच्छा शो करते हैं। मैं आपकी शो की तारीफ नहीं कर रहा, मैं जो आपकी शो की तारीफ में मेरे पास बहुत अल्फाज ही नहीं है, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत मतलब बहुत अच्छा। शुक्रिया शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। चले जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? नाज़िम है, मौज़म बात। मौज़म कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए खैरियत है? बस जबरदस्त मौज़म, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं नाज़िम, मैं कॉल करता रहता हूँ, आपसे बात भी होती रहती है। वही मैं जैसे बैंक का भी मैंने आपको एक मतलब इंसिडेंट। अच्छा 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 जी मौज़म, बताइए कोई वाक्य है जो आप अभी शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं कब आपसे शेयर करूंगा। एक्चुअली जस्ट रिसेंटली हुआ है मेरी फैमिली के साथ। अच्छा बताइए। हुआ इस तरीके से कि मेरी पप्पू हैं, उन्होंने अपना घर शिफ्ट अभी किया था लास्ट वीक में, मतलब रमजानों में ही। तो अभी जब उसका भी तकरीबन सेकंड फ्लोर पोर्शन लिया उन्होंने, सही, तो हम लोग भी गए थे अभी समझ लें ईद के फर्स्ट डे, जब मिलना मिलाना होता तो उनसे बातचीत वगैरह वही करते। तो उनके घर में ना एक अजीब सी एक, अब क्योंकि नया घर था, हो सकता है हमने ऐसा फील, जैसे स्ट्रेंज फील हो रहा था काफी, एक वहशत थी। तो ऐसी बातों में ऐसे मेरे वालिद वालदा भी कह रहे थे, तो उन्होंने भी ये चीज को सेकंड किया कि हाँ हमें भी कुछ चीजें ऐसी महसूस हो रही हैं घर में, लेकिन आई एम सो सॉरी मौज़म, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। खैर दोबारा जरूर कॉल कीजिएगा। खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ। सलाम मिनहाज, काफी अरसे से ये स्टोरी आपको भेज रहा हूँ पर आप अपने शो में शामिल नहीं कर पाते। एनीवेज दोबारा सेंड कर रहा हूँ इसी उम्मीद से कि आप ऑन एयर कर देंगे। सलाम मिनहाज, मैं सैयद जहेर, मेरा ताल्लुक कराची से है। ये 20 साल पुरानी बात है, मैं अपनी खाला के घर रुकने गया था जो कि बचपन से ही जाया करता था। वहां मेरे दो कजिन्स थे जिनमें से एक अक्सर अपनी जमीनों पर रहता, एक कजिन अपनी वालदा के साथ यानी मेरी खाला के साथ घर पे होता। वो एज में मुझसे बड़ा था पर हमारी बनती बहुत थी। वो लोग कुछ अरसे के लिए नाना की पुरानी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हुए थे जो कि 70 क्लिफ्टन टेलीफोन एक्सचेंज के बिल्कुल सामने वाली गली में थी। वो एक फ्लैट था जो 20-25 साल के बाद से बंद था, वहां वो लोग शिफ्ट हो गए। इस अरसे में मेरी खाला के घर रुकने जाना कम हो गया क्योंकि बड़े भी हो गए थे और करियर बनाने का वक्त था। काफी दिन बाद मेरे कजन का फोन आया कि आ जाओ यार, बहुत दिन हो गए गपशप किए हुए। नेक्स्ट वीकेंड मैं खाला के घर चला गया। उस घर में मैं पहली बार रुकने गया था। उस बिल्डिंग में एंटर होते ही मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आई जो कि मुझे शायद गॉड गिफ्टेड है। एनीवेज मैं फ्लैट में एंटर हुआ, फ्लैट पुराना था, 1930s का बना हुआ। घर में खाला नहीं थी, सिर्फ कजन घर में था और कोई नहीं। हमने खाना खाया, थोड़ा टाइम नीचे स्पेंड किया, गर्मियों के दिन थे। कजन ने कहा कि छत पे चलते हैं, मैंने कहा ठीक है। घर में मुझे वैसे ही अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। हम चले गए छत पे और नॉर्मल बातें करते रहे। हम छत की जो मुंडेर होती है उस पे बैठे थे जिसके बराबर में टीन की वाटर टैंक रखी हुई थी। बातें करते करते बीच में पॉज आया तो पानी की टंकी पे
आवाज आई। यूजली ये आवाज जब आती है जब कोई भी किसी टीन की चीज पर बैठे और फिर उठे, तो जो दबा हुआ टीन का हिस्सा होता है वो ऊपर आता है और उससे आवाज एक निकलती है। टैंक की हाइट अच्छी थी कि अगर कोई भी उसे नीचे कूदे तो जमीन पे आवाज जोर जरूर आती, लेकिन हमें ऐसा लगा कि कोई चीज टैंक से उठी और हवा हो गई। मैंने अपने कजन से पूछा ये क्या था, उसने बात टाल दी और हम फिर बातों में लग गए। 2 बजे के करीब कजन ने कहा चलो अब सो लिए जाएं। मैंने कहा ठीक है। हम नीचे चले आए, हमने अपने बिस्तर बिछाए और लेट गए। जहां हमारा बिस्तर था उसके पीछे खाला का तख्त था और उनका पानदान रखा हुआ था। कजन सो गया और मैं आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसकी वजह शायद वही फीलिंग थी। कुछ देर गुजरी होगी, मुझे महसूस हुआ कि कोई तख्त पे बैठा है, फिर ऐसा लगा किसी ने पानदान खोला है और उसकी आवाज आती रही, जबकि पूरे घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। कजन को देख के मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये सब हो रहा है और वो आराम से सो रहा था। ये सीन चलता रहा वक्फे वक्फे से और मैं एक फौजी की तरह अलर्ट लेटा रहा। डर भी लग रहा था, कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर कुछ देर के लिए सुकून हुआ। मेरी नजर कमरे से बाहर लाउंज में पड़ी, वहां एक औरत फुल ब्लैक जो कि किचन के दरवाजे की चौखट से कंधा टिका के मुझे देख रही थी, जो बहुत खौफनाक थी। बस थोड़ी देर बाद गायब हो गई, यानी कुछ ही लम्हे के लिए नजर आई। ये देखना था और मैंने अपने कजन को उठा दिया। मुझे और गुस्सा आया जब उसको उठाया और बताया कि ऐसा हुआ है, तो वो कहता है कि ये तो रोज है, रोज का मामूल है, सो जाओ। और वो दोबारा सो गया। मैंने रूम की लाइट ऑन की और उठ के बैठ गया। अल्लाह अल्लाह करके फजर की अजान हुई तो मुझे सुकून मिला, उजाला हुआ। मैंने अपने जूते पहने और कजन को इन्फॉर्म किए बगैर घर से निकल गया। वो रात बहुत भारी और लंबी थी। उस औरत का देखना मुझे आज तक नहीं भूलता। जनाब प्रोग्राम में खत्म होने में कुछ थोड़ा सा टाइम बाकी है, कोशिश करते हैं एक और कॉलर को शामिल करते हैं। देखते लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं सर इरफान बात कर रहा हूँ, क्या हाल हवाले हैं आपके? बिल्कुल जबरदस्त जी। इरफान साहब आप बताइए आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इरफान अच्छा मीना साहब आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैं काफी अरसे से सुनता हुआ आ रहा हूँ। बहुत बहुत आपका ये प्रोग्राम जो है वो इसका कोई अल्टरनेट नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। खैर आप आपके साथ कोई वाकया पेश आया है ऐसा? ना सर मेरे साथ कोई ऐसा, अल्लाह का शुक्र है अब तक कोई ऐसा खास वाकया पेश नहीं आया जो जीन भूत से रिलेटेड हो, लेकिन एक डिफरेंट वाकया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बताइए। ये समझ लें कि तकरीबन आज से 8-10 साल पुरानी बात है। सही। कि ये समझ लें मेरी उम्र होगी तकरीबन 20-21 साल के लगभग। तो उस दौरान जो है वो मुझे दीन इस्लाम से रगबत काफी हासिल हुई और मैंने कोशिश करी कि मैं दीन इस्लाम पे अमल करने की कोशिश करूं ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें ये है कि मैंने नमाजें पढ़ना शुरू करी और सारे मामला जो है वो
शुरू करे दुआओं के साथ, जिक्र अस्कार के साथ। तो उसमें कुछ एक्टिविटीज मेरे साथ हुई और उसमें से एक एक्टिविटी अभी भी मेरे साथ बाकी है। अच्छा, क्या? वो ये कि जब मैं नमाज पढ़ने खड़ा होता था मस्जिद में, तो पहले मुझे ऐसा ऐसा खुशबू आना शुरू हुई कि नमाज के दौरान ही जो है वो मुझे खुशबू महसूस होती थी, और ये सिर्फ मस्जिद की डोमेन तक ही रहता था। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा वो फिर खुशबू मुझे चलते फिरते उठते बैठते मतलब मुसलसल फील होना शुरू हुई। देन उसके बाद फिर मुझे एक नमाज के दौरान एक और एक्टिविटी स्टार्ट हुई, वो ये कि मुझे अल्लाह का नाम लिखा हुआ नजर आने लगा। मतलब जिस जगह पे मैं फोकस करता हूँ, किसी दीवार पे या पर्दे पे या कोई भी ऐसी चीज सामने मौजूद हो, तो मुझे अल्लाह का नाम लिखा हुआ साफ बिल्कुल नजर आने लगा। ऐसे जैसे पेपर पे लिखा हुआ होता ना, आप पेपर पे अल्लाह का नाम लिखें तो आपको बिल्कुल साफ जिस तरह नजर आता है उसी तरीके से। बस उसकी कंडीशन ये होती थी कि वो जैसे लेजर लाइट होती है ना ब्लू कलर की शार्प, तो उस कंडीशन में लिखा हुआ नजर आता था। वक्त के साथ साथ फिर दुनिया की तरफ रागिब हो गए, तो फिर उसके बाद सारी मामला खत्म हो गए और उसमें मतलब जो खुशबू आती थी वो भी खत्म हो गई, और जो एक हल्कापन जिसमें मैं मौजूद था वो भी ऐसा ऐसा एक नॉर्मल बैलेंस में आ गया। बस इसमें से एक चीज अभी भी बाकी रह गई और जिसके लिए मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि जब भी मैं कहीं भी किसी भी जगह पे फोकस करता हूँ तो मुझे अल्लाह का नाम लिखा हुआ नजर आ जाता है। बस ये आपसे एक शेयर करना था, बाकी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है आपका। अच्छा, तो मुझे जरा ये बताइएगा, क्योंकि ये एक जमाने में ना मेरे साथ भी होने लगा था, ठीक है, लेकिन मेरा इस वजह से नहीं हो रहा था जिस वजह से आप कह रहे हैं कि आप नमाजों की तरफ अल्लाह की तरफ दीन की तरफ राग़िब ज्यादा हो गए थे। मेरे साथ होता था कि मैं जुम्मे, और ये मेरे साथ स्पेशली जुम्मे वाले दिन होता था, सही है, मेरा घर था वो सिंगल स्टोरी जो होता है ग्राउंड प्लस वन, तो सारे बहन भाइयों का कमरा और मेरा कमरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था, वालिदैन का कमरा नीचे था। तो अक्सर औकात ये होता था कि रात को पुरानी, क्योंकि 1940s का वो घर मेरा पीसी जिसका बना हुआ था, तो वो इस तरह का तो नहीं बना हुआ होता था कि घर के अंदर ही से एक सीढ़ी निकली और ऊपर गया, और ऐसे जैसे सिंगल यूनिट घर होते हैं उस जमाने में, बाहर से सीना होता था, रोड से ही जीना निकल रहा है ऊपर जा रहे हैं, तो हम ऊपर का दरवाजा लॉक करके सोते थे, नीचे वाले नीचे का दरवाजा लॉक करके सोते थे। तो जुम्मे पुरानी कंस्ट्रक्शन जैसे पुराने वक्तों में घर बनते थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो जुम्मे वाले दिन मेरे, अच्छा मेरी बचपन से आदत है कि मैं जितना लेट सो जाऊं मैं उठूंगा 9-10 बजे, या मैक्सिमम है तो 9 बजे उठ जाऊंगा। खैर, तो जुम्मे वाले दिन उस जमाने में छुट्टी हुआ करती थी, तो अब जब जिस दिन छुट्टी होती है जैसे संडे होता है, तो संडे को आप कभी 9 बजे उठ जाए तो आपको लगेगा कि भाई लोग कहां गए, इतने 2-2.5 करोड़ की आबादी जो शहर है वो कहां गई। तो मुझे भी ये होता था, अब पीसीजेस क्योंकि उस जमाने से ही एक एस्टेब्लिश्ड एरिया है, और मैं क्योंकि बहुत सालों से हम रहते हैं उधर, रहते थे, तो वहां मोहल्ले वाले सब जानते थे एक दूसरे को। अब मैं अपने, मेरी बहनें सो रही होती थी, मेरा छोटा भाई सो रहा होता था, मैं उठ जाया करता था, तो मुझे वो नाश्ता भूख, और वो मुझे ये होता था कि वालिदैन तो उठ गए होंगे सुबह फजर के टाइम पे, और मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक था कि जब घर में हो तो हम बाहर से हलवा पूरी तो नहारी तो ये, तो मैं इस लालच में हमेशा नीचे उतरता था कि आज मैं जल्दी पहुंच जाऊं, फ्रेश वाली चीज मुझे मिल जाए। तो मैं जब भी दरवाजा खोल के अपने जीने से नीचे जाता था, एक प्रिसाइस, बिल्कुल एक प्रिसाइस सीढ़ी थी जहां से मुझे खुशबू आती थी हमेशा। ये कोई तकरीबन 6-8 महीने मैंने नोट किया, हर जुम्मे वाले दिन, हर जुम्मे वाले दिन मैं उतरू उस सीढ़ी तक पहुंचू मुझे एकदम से स्मेल आए। अच्छा, मैं क्योंकि घर जुड़े जुड़े होते हैं पीसीजेस में, पुरानी कंस्ट्रक्शन अगेन, तो मैं अब ये भी होता था कि हम झांक भी सकते थे दूसरों के घरों में, थोड़ा सा उचके तो दूसरे का घर नजर आने लग गया। अब भाई वो वहां झांक लिया कि अच्छा कोई बाहर तो नहीं खड़ा हुआ किसी के परफ्यूम की स्मेल हो, कोई ऑफिस जाता उस टाइम पे या ये वो ना, मेरे जो बराबर वाले थे बिल्कुल नेबर्स थे
उनका ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं था, वो बिजनेसमैन थे तो वो 12 बजे जाते थे। जो दूसरी साइड पे रहते थे वो रिटायर्ड अंकल आंटी थे, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं जाते थे कहीं। ये भी नहीं था कि कोई 9 बजे ऑफिस जाता हो या स्कूल जाता हो या इस तरह का। तो एक दफा मैंने अपनी दादी से जिक्र किया, मैंने कहा दादी ये मेरे साथ होता है, पता नहीं क्या होता है ये, पता नहीं कौन सी खुशबू, अच्छा इतनी अच्छी खुशबू थी कि मुझे याद रही, अभी तक याद है वो। मैंने कहा यार दादी ये कौन सी खुशबू है जो मुझे सुनाई। अब वो उन्होंने, मेरी दादी ने सुना, उन्होंने मुझे फौरन रोक दिया। मैंने कहा देखो बेटा कभी भी इस खुशबू को टोकते नहीं है। अब पता नहीं मुझे समझ नहीं आई ये बात, टिल डेट मुझे समझ नहीं आई ये लॉजिक क्या है। आपका एक अपना एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली, लेकिन मुझे जो एक चीज ये फील हुई थी कि यार मतलब ये चीज जब मेरे साथ शुरू हुई मामला, तो उसमें ये था कि पहले मस्जिद से ही शुरू हुआ, फिर उसके बाद फिर मुसलसल ये समझ लें कि 24 घंटे ऐसा लगता था कि वो खुशबू साथ ही। अच्छा। बहरहाल वो जो कुछ भी था, वो जो भी, मैं अल्लाह बेहतर जानता है कि मुझे तो इल्म नहीं है इन चीजों का, अल्लाह ताला बस अपनी हमारी मकसद फरमाए, हम सबकी मकसद फरमाए, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है जो मुझे फील हुआ। बस उसमें से एक जो चीज फील है वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है, और मैं उससे अल्लाह का बड़ा शुक्र गुजार भी हूँ। मैंने आपको बता दिया कि मैं जब भी फोकस करूँ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मुझे अल्लाह का नाम बिल्कुल साफ लिखा हुआ नजर आता है, इतना साफ कि पेपर पे जैसे लिखते हैं ना कि कितना आप वाजे पढ़ सकते हैं, इतना साफ अंदाज। बाकी सारे मामला जो थे वो एज पर नॉर्मल रूटीन जो होते हैं हम सबके वो। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खैर जनाब हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में 5-6 मिनट बाकी हैं। एक लास्ट ईमेल है जिसको हम शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिन्हाज, दिस इज योर फ्रेंड इफी इरफान। ऑलराइट इरफान, थैंक यू इरफान। Firstly, I'm very sorry to all the families for the great loss who lost their lives in air crash. My condolences and prayers. Minaj, today I will tell you what a lot of people in our society don't know. Firstly, जो भी बुरी या नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होती हैं, वो हमेशा तीन जगहों में रहती हैं: बाथरूम, अंधेरा, गंदगी। अक्सर ये चीजें रात को निकलती हैं मगरिब के बाद, पर नुकसान पहुंचाने वाली हैबतनाक मखलूक रात को 3 बजे निकलती है। अब मैं आपको एक रियल एरिया बताता हूं जहां पे ना के सिर्फ जिन बल्कि चुड़ैले भी दिखाई गई हैं। ये एरिया शुरू होता है शारे फैसल कारसाज से और खत्म होता है सब्जार के बैक साइड रेलवे ट्रैक पे। बहुत सुसाइड केसेस रिपोर्ट होती हैं, और अगर पुलिस से आप पहुंचे तो अभी 2 वीक्स पहले वहां पे ट्रेन भी उलट गई थी, पर मीडिया में इसका ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। देयर आर अ लॉट ऑफ डार्क स्टफ इन दैट एरिया, लेट मी नो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर सम टाइम। वन लास्ट थिंग यू सेड, इफ एनीवन कैन एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाट अ जिन लुक्स लाइक, वेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जिन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ जिन। दे कैन वॉक इफ दे वॉन्ट टू, दे कैन फ्लोट और फ्लाई इफ दे वॉन्ट टू, shape shift and disappear in the mid air. The more you think, the more you open the gates. बात बिल्कुल दुरुस्त की है इनमें। The more you think about them, the more you open the gates. कुछ राज ऐसे ही होते हैं जिनको राज ही रहने देना चाहिए, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनको बंद ही रहने देना चाहिए। आपको नहीं मालूम कि उस राज को खोलने के चक्कर में क्या हकीकत आपके सामने आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा,
क्योंकि आपको नहीं मालूम कि जिस जगह पे बैठ के आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आप अकेले हैं और महफूज हैं। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है कोई और भी उधर मौजूद हो जिसको आप तो देख नहीं सकते, पर वो आपको जरूर देख सकते हैं। खुदा हाफिज़।